चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को कराने वाली टीम में झांसी की बेटी निधि पोरवाल भी शामिल हुई है। निधि ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई झांसी के RLPS से की थी। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई BBD लखनऊ से की है। साथ ही 2006 में निधि ने इसरो को ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि निधि मंगलयान और चंद्रयान का हिस्सा भी रही है। निधि के पिता सुरेंद्र कुमार गुप्ता LVM में अध्यापक रहे हैं। उनकी माँ शिक्षित है। छोटी बहन MNSE में काम करती और छोटा भाई CA MNSE में कार्यरत है। आपको बताते चले कि निधि के पति सौरभ महेश्वरी MNSE में इंजीनियर हैं और वे बेंगलुरु में रहते हैं। निधि को बचपन से ही साइंस, म्यूजिक एवं कला का शौक रहा है। वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्हें साइंस से काफ़ी लगाव था। उनका सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने, जिसे इसरो ज्वाइन कर पूरा कर लिया है। मैं हूं निधि का पिता और ये है उनकी माता श्री। निधि हमारी बेटी है जो चंद्रयान 3 मिशन में सक्रिय रूप से शामिल है। चंद्रयान 3 की सफलता पर हम सबको गर्व है। हम सभी देशवासी इस पर गौरवान्वित हैं और निधि की सफलता पर हम बहुत उत्साहित हैं। निधि बचपन से मेधावी रही है और ये RLPS झांसी लाड़ी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल झांसी की मेधावी छात्रा रही है। हम सब गौरवान्वित हैं। छोटे छोटे बच्चों की परवरिश के साथ इस कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देना ये प्रशंसनीय है। मैं निधि के भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह निरंतर इसी तरह अपने कार्य को अंजाम देती रहेगी। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने इस चंद्रयान 3 में सक्रिय रूप से भाग लिया और मैं जीवन भर में यही कामना करती हूँ कि वह जीवन में हमेशा इसी तरह से सफल रहे। देखिए, मेरी भतीजी निधि पोरवाल शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड बालिका रही है और उसकी झांसी में ही पैदा हुई है। उसकी एजुकेशन भी झांसी में हुई है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल से वो पढ़ी हुई है और पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ वो दृढ़ निश्चयी और लगन के साथ में एजुकेशन में लगी रही और UPTU से उसने UPTU से करके और इंजीनियरिंग की। बाबू बनारसी दास कॉलेज से लखनऊ से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में उसका चयन इसरो में हुआ और प्राइवेट कंपनियों में भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको सुझाया था कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, तो उसने इसरो ज्वाइन किया। इसरो ज्वाइन करके आज चंद्रयान 3 का हिस्सा होकर उसने देश को गौरवान्वित किया है और पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है, जिससे हम लोगों का सीना भी बड़ा फख्र से चौड़ा होता है। और ऐसे टैलेंटेड बिटिया पे हमें बहुत नाज है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और उसको बहुत बहुत बधाइयाँ कि पढ़ने में तो बचपन से ही अच्छी रही है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी रही है। पेंटिंग बनाना और खेलना कूदना बहुत अच्छा करती रही है वो, और अब पहले समाज का नाम रोशन किया और अब विश्व में भारत का नाम आगे कर रही है, ये भी बड़ी बात है और ये हम लोगों के लिए बहुत फक्र की बात है और उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। जब चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा पर हो रही तब कैसा महसूस कर रही थी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और बार बार निम्मो को देख रहे थे, उसको याद कर रहे थे। हम लोग वो कितनी छोटी सी थी और कहाँ अब इतनी बड़ी हो गई है, वो कहाँ पहुँच गई है, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है।